मास्टर आपको एक बात पता है क्या? क्या? जो लोग ज्यादा सिगरेट पीते हैं ना, उनके मुंह का टेस्ट चला जाता है। एक सर्वे में पता चला है। तुम जो कह रहे हो ये बात सच है क्या? यकीन नहीं हो रहा है, उसे देखिए, इतनी बकवास चाय को भी कैसे मजे ले लेकर पी रहा है वो। मास्टर, सारे बेकार बैठे लोग बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने। पहले तुम खुद अपने बारे में सोचो, बाद में दूसरों के बारे में सोचना। एडवाइस? मैं तेरा भला चाहता हूँ, इसीलिए एडवाइस दे रहा हूँ। मैं तुझे नौकरी दिलाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तेरी इतनी औकात है? ए, मैं तेरी नौकरी के लिए मैनेजर को मस्का मार रहा हूँ। तुझे नौकरी चाहिए कि नहीं? चाहिए ना, बैठना। लेडीज बैग। देख भाई, मेरा हीरो बनने का टाइम आ गया। पहले मैं उसे पकड़ूंगा, उसके बाद पीटूंगा, उस लड़की के दिल में अपनी जगह बनाऊंगा। आई एम बैक। अरे वो लड़की कैसी दिखती है, देख के तो जा। मैं बैग लेकर आता हूँ, उसे यही रोकना। अरे उसने तो चांस मार लिया, पर तू अपना चांस मिस कर गया। अरे वो कोई ऐसी वैसी लड़की होगी। क्या कहा? यही है क्या वो ऐसी वैसी लड़की? ये तो चॉकलेट जैसी है, बिना मिलावट के दूध जैसी चमक रही है ये। परेशान मत हो बेटी, मैं अभी जाकर उससे तुम्हारा बैग लेके आता हूँ। मुझे नहीं चाहिए, रहने दीजिए। देखा ना, बुड्ढा भी जोश में आ गया। ये क्या हो रहा है, बैग छोड़कर जा रही है? तू तो ऐसे चल रहा है जैसे पंक्चर हो गया हो। कहाँ है वो लड़की बताओ? बैग मिल गया क्या? कहाँ है वो लड़की बताओ मुझे। अरे वो चली गई। चली गई? ठीक है, दिखने में कैसी थी? थोड़ी सी गोरी है। गोरी थी वो? बोले तो एकदम अंग्रेज की तरह। अंग्रेज की तरह? वो थोड़ी सी हल्दी की कलर की। यमन ले लो? नहीं नहीं, लेमन ले लो? नहीं यार, एग्जैक्टली बोलू तो थोड़ी गेहूं के कलर की। वाओ, मतलब ब्राउन, माय मैचिंग। मैं शादी उसी से करूंगा। यार इस गालियों को कुछ भी बोलो तो ये लार ही टपकता है। अरे वो आंटी ज्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती थी ना, इसलिए चली गई। आंटी थी? हाँ आंटी। ओ, मेरी हीरोगिरी वेस्ट चली गई, आंटी को डिलीट करता हूँ। ये क्या कर रहा है तू? वो तो आंटी थी ना, जो होगा आधा आधा बांट लेंगे। ए, ये गलत है यार, तुझसे दोस्ती की यही गलत है। नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ चल दिखा। तो चुप बैठ, लगता है इसमें बहुत माल है। पूरा देखता हूँ भाई। आंटी तो बेवड़ी निकली यार। हे, हाउ इज इट पॉसिबल? इम्पॉसिबल। लगता है वो लड़की बेवड़ी होगी। तुझे बस लगता है, मुझे तो पक्का यकीन है भाई। मेरे ख्याल से तो वो आंटी कहीं बैठकर खंबा पी रही होगी। और साथ में अचार भी चाट रही होगी, क्योंकि अचार चाटने से नशा दुगना हो जाता है। और अगर अचार से नहीं चढ़ता होगा तो सिगरेट के सुट्टे भी लगा रही होगी। और उसके बाद भी अगर नहीं चढ़ी होगी तो गुटके की पूड़ी खोल कर गुटके कटक रही होगी। और गुटके को चबा चबा कर चबा चबा कर स्टाइल में किसी पर थूक रही होगी। यार ऑफिस तो बढ़िया है। अब सर, सॉरी सर। ये क्या मंदिर के क्यू के जैसे मेरे पीछे लगे हो भाई? मेरा मंदिर तो आप ही हैं सर। ये भक्ति जिंदगी भर निभाओगे ना? मुझे आप हमेशा के लिए जॉब पर रखोगे ना सर? तुम्हें इसमें शक क्यों लग रहा है? आखिर मैंने तुम्हें सिलेक्ट किया है। तुम्हारी आँखों में चमक है, चेहरे पर रौनक है, तुम्हारी बॉडी में एनर्जी है। जो कुछ मेरे अंदर नहीं है वो सारी चीजें तुम्हारे पास है। मुझे यकीन है तुम दिन रात मेहनत करके हमारे इस ऑफिस के सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट करोगे। सॉरी सर, ओपनिंग तो बहुत ही लेजी वाली थी। यही है केबिन, जाकर बैठ जाओ। आपके सामने कैसे बैठूं सर? अच्छा तो खड़े रहकर काम करोगे? कोई लॉन्ड्री शॉप है क्या? सॉफ्टवेयर कंपनी है, बैठकर काम करना पड़ता है। जाओ जाकर बैठो। सर एसी में कूलिंग ही नहीं है। चलो बैठो, यहाँ ऐसा ही रहता है, पहले ही दिन यॉनिंग कर रहा है। कैंटीन कहाँ है? डार्लिंग समझा करो, टिकट नहीं मिला। तेरे 2 रुपए के पाव में थोड़ी सी चटनी लगाकर 150 रुपए में बेचता है और बर्गर बोलता है। तुझे जॉब पर लगकर सिर्फ 2 घंटे हुए और कैंटीन में आकर मजे ले रहा है? तू इधर आ। क्या है? ए, देख वो जो है ना, वही है वाइन शॉप की दुकान। मुझे भी नहीं पता था। उस बैग में क्वार्टर, सिगरेट,
गुटका। सर क्या हुआ, आप इतने डर लग रहे हैं? पूरी रात सोए नहीं क्या? यू आर डिसमिस्ड। सॉरी भाई, मैंने मैनेजर को समझाने की बहुत कोशिश की, अगर वो तुझे नहीं निकालता तो उसकी नौकरी जाती। जब से तू यहाँ जॉब पर लगा है ना, ऑफिस में काम करने वाले सभी सोने लगे हैं। बॉस ने मुझे केबिन में बुलाया और तेरी वो वीडियो भी दिखाई। तेरी इसी आदत की वजह से तुझे वहाँ से भी निकाला गया था। मुझे बहुत डर लग रहा है यार, तेरी ये बीमारी बढ़ जाए उससे पहले डॉक्टर को दिखा दे। थैंक्स यार जॉब दिलाने के लिए। मिस यू यार। मसकली मसकली, ए टेबल नंबर 3 खाली हो गया, साफ करो। तुझे तो आज तक मैंने कभी पीते हुए नहीं देखा, तू ये बैचलर पार्टी में क्यों आया? कुछ नहीं यार, जिम ज्वाइन करने वाला हूँ तो थोड़ा प्रोटीन चाहिए था। चिकन कहाँ है? तू सुनीता के लिए आया है ना? मुझे पता है, चल चलते हैं। देख वहाँ कुरकुरे खड़ा है। कुरकुरे? हाय राघव। हाय 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 संजीव, तुम यहाँ? हेलो सर, कुछ नहीं बस सबको एक बार। सॉरी संजीव, जो कुछ हुआ सब भूल जाओ। दरअसल बॉस की वाइफ को नींद ना आने की बीमारी है, वो अपना सारा फ्रस्ट्रेशन बॉस पर उतारती है। बॉस ने मुझ पर उतारी, जिसे मैंने उस दिन तुम पर उतार दिया। तो अब क्या, उनको नींद आनी चाहिए यही ना? तुम उसकी चिंता क्यों करते हो राघव, अपना संजीव है ना उन्हें सुलाने के लिए। अरे हाँ, हाँ? ये अच्छा है, तुम एक काम करो, बॉस के घर पर जाकर उनकी बीवी को सुला दो, फिर हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, इसके लिए बाएं हाथ का खेल है, सही बात है ना? हाँ, मैं तो उनको सुला दूंगा। एनीवे वेलकम टू बैचलर पार्टी। सच में सर, आप अपने बेटे की बैचलर पार्टी दे रहे हैं, आप ग्रेट हो सर। वो बैचलर मैं ही हूँ। अरे बाप रे, बिना सेल्फ वाली बाइक यही है क्या? वो यही है। ओ देख क्या रहे हो, सारी लड़कियाँ सेटल हुए लड़के को ही पसंद करती हैं। अब जाके सेटल हुआ हूँ। ऑल गेस्ट अटेंशन प्लीज। हेलो, अब अगर आप सबको वेल सेटल लड़का चाहिए तो ये है। अब सबको मैंने बता दिया है, टेंशन मत लो। संजीव, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ आता हूँ आता हूँ। अभी तक खिला रहा है। संजीव। हाँ? मैं कैसी लग रही हूँ? अरे तेरी तो एकदम झकास लग रही हो। वैसे नहीं, मेरा मतलब कुछ और था। क्या मैं अच्छी लड़की हूँ? तुम भी ना, अरे गोल्ड हो। अगर मैं किसी लड़के के पास जाकर आई लव यू कहूंगी तो वो हाँ कहेगा ना? अरे तुम भी ना, बस एक इशारा कर दो, लड़के दौड़ कर आएंगे तुम्हारे पास। हाँ ठीक है, वो मुझे मुझे तुमसे कुछ कहना है। नहीं, उससे पहले मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या? नौकरी नहीं है, बेरोजगार हो, यही ना? नहीं, मैं एक सेकंड हैंडेड हूँ। सेकंड हैंडेड मतलब? मैं और एक मंदाकिनी नाम की लड़की कुछ दिनों तक हम। ओके बस। अरे मैं डिटेल में समझा सकता हूँ। नहीं, मुझे समझ में आ गया, मेरे पास भी दिमाग है, बेवकूफ नहीं। नहीं सुनीता, मुझे बताने दो। संजीव जी, बीच में क्यों बैठे हो, साइड में बैठो। तो फुल टाइट होकर आ रही है। कितनी पी है तुमने? क्या हुआ? कब से पी रही हो? जी जी, मेरा फर्स्ट टाइम है। ऑलरेडी ज्यादा पी चुकी हो तुम, चुपचाप दे दो इसे। नो, मुझे दो, मुझे चढ़ी नहीं है। ए, अगर ऐसी बात है तो जैसा मैं कहूँगा वैसे कहो। क्या? 66, चलो बोलो तुम। What nonsense? मैं कोई नर्सरी की स्टूडेंट नहीं। ए, अरे नहीं बोला ना। अरे तुम अगर 66 को सही तरीके से कहोगी तो साबित हो जाएगा कि तुम ठीक हो। फाइन फाइन। सी 66, सही से बोलो। सॉरी डियर। डियर? क्या सच में मुझे ज्यादा चढ़ गई है क्या? बहुत चढ़ चुकी है तुम्हें। तो अब मैं चलकर कैसे जाऊंगी?
चलना तो छोड़ो, ठीक से बोल नहीं पा रही हो। अगर चलोगी तो जरूर गिरोगी तुम। अगर सबको पता चल गया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? भगवान, चलो ठीक है, हमें काम करते हैं। तुम मेरे कंधे पर हाथ रखो, ऐसे दिखाओ कि मैंने पी रखी है और तुम मुझे सहारा दे रही हो, और इसी तरह चलते चलते हम दोनों गेट के बाहर निकल जाएंगे। ऑटो में? हाँ ऑटो में। पता है तुम बहुत कमाल हो, चलो हम लोग बाहर चलते हैं। तो चलो चलते हैं। ओके। ठीक से पकड़ो, आराम से आराम से आराम से, ऐसे स्ट्रेट जाकर राइट लेना है। लगता है सुनीता ने सोशल सर्विस को ही अपना लिया है। देखो तो नशे में धुत संजीव को कैसे प्यार से लेकर जा रही है। तुम बहुत अच्छे हो, तुमने खुद मुझे सेकंड हैंड वाली बात बता दी। ए, संभल कर। ए, तुमने अपना हाथ मेरी कमर पर रखा हुआ है, क्यों? अच्छा लग रहा है। क्या? नहीं पकड़ूंगा तो गिर जाओगी ना, इसलिए। ओ, अच्छा, पकड़ो 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 पकड़ो। तुम्हारा फेस ना मेरे फेस से टच हो रहा है। अगर मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा तो सब लोग तुम्हें देखने लग जाएंगे ना, इसलिए। ओ, नहीं नहीं, टच करो टच करो। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। वाह, मजा आ रहा है। संजीव, ज्यादा स्मेल आ रही है क्या? पानी की बोतल से कभी स्मेल नहीं आती। अब तुम्हें पता चल गया? शुरू में ही समझ गया था कि तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। क्या करूं तुम्हारे साथ? जो चाहे वो करो। अरे इसकी तो उस दिन वाली फोटो मैगजीन में भी छप गई। हेलो, ए, तूने जिसकी पानी में भिगो कर बेइज्जती की थी, जानता है वो कौन है? कौन है वो बता ना। कूलिंग ग्लास मुन्ना। हाँ तो उसका क्या? ए, कूलिंग ग्लास मतलब कूलिंग ग्लास बेचने वाला नहीं है वो। हाँ। बहुत बड़ा गुंडा है, उसके हाथ आ गया ना तो काट कर रख देगा। ए, मैं ऑलरेडी एक प्रॉब्लम की वजह से अस्पताल जा रहा हूँ, वहाँ जाकर तुझे फोन करता हूँ, समझा? चल मैं बात में बात करता हूँ। एरिया साफ करने के बदले तुमने उसकी जिंदगी साफ कर दी, अब मुंह लटकाने से कुछ नहीं होने वाला। भाई उसका घर हनुमान मंदिर के गली के पीछे, वहाँ हम 5 मिनट में पहुँच जाएंगे। रोक 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 रोक, पीछे ले, पीछे पीछे पीछे। अरे छोड़ो, तुम लोग हो कौन? मतलब उस दिन रोड को गंदा तुम? आज तू गया। Get ready, ready, ready to die. I'm all ready, ready, ready. I'm on high. Ready, ready, ready to die. I'm all ready, ready, ready. I'm on high. Thank you.
क्या कूलिंग ग्लास मुन्ना को दिखाई नहीं दे रहा है? ये क्या बोल रहा है तू? अच्छा ये बताओ कि आखिर वहाँ हुआ क्या था? भाई उसके पहले कोयता लेकर आए थे हैं। लेकिन उससे पहले उन्होंने डांस किया था। भाई बहुत गुस्से में थे और जैसे ही मारने के लिए हाथ उठाया ना, कोयता एक फुट का था और वो भाई के हाथ में था। उसका सर कट के नीचे गिरना चाहिए था, पर गिरा नहीं ना, उल्टे भाई अंधे हो गए। ऐसा क्या? हाँ? ए भाई क्या बताओ ना, वहाँ क्या हुआ था? तुम लोग भी तो थे ना वहाँ पर? पता नहीं, कुछ बोल नहीं सकते। आंखें ठीक भी हो सकती हैं और नहीं भी। आप भी क्या कह रहे हैं डॉक्टर? भाई मैं हॉस्पिटल में आ गया हूँ, ऊपर ही आ रहा हूँ, दो मिनट में पहुँचता हूँ। ए भाई यहाँ परेशान है, तू बाहर मजे ले रहा है? भाई आपसे एक बात कहूँ, आप मारोगे तो नहीं ना? हाँ बोलना। भाई आपकी आंखें जाने की वजह पता क्या है? वो नहीं है। तो कौन है? बल्कि वो है वो। कौन? भाई भाई उस दिन मंदिर में जो भूत बनकर नाच रही थी ना, उसी की आत्मा उसके शरीर में आकर आपको टक्कर देकर चली गई। भाई इधर इधर इधर, पूरा शहर मुझसे डरता है और तू भूत की बात करता है। भाई ए, डॉक्टर ने क्या कहा याद है ना? जल्दी से पट्टी खोलनी है और उसके बाद मारना है उसको, और ये सब मुझे अपनी आंखों से देखना है। अब ये नहीं हो सकता भाई। आपकी आंखों की रोशनी आएगी या नहीं, डॉक्टर को इस बात का डाउट है। कंफर्म है भाई, उसने मुंह खोला तो हवा निकली, हवा में भूत था भाई। आपने उसकी आंखें निकालने की बात कही थी, उसने तो आपकी आंखें निकाल दी भाई। भाई, क्या हुआ? तुझे एक बात पता है? नहीं। कूलिंग ग्लास मुन्ना इसी हॉस्पिटल में है। हाँ। अरे अरे डर मत, कूल बड़ी, नो प्रॉब्लम, तू लकी है भाई। किसी ने उसे जमकर धोया और उसकी दोनों आंखें फोड़ डाली यार। आंखें? अंधा बनाने वाला मैं ही हूँ। वाह, मतलब इतने दिनों तक मैं समझ ही नहीं पाया कि मैं ब्रूस ली का दोस्त हूँ। आई एम प्राउड ऑफ यू यार। ए, मजाक मत कर, मैं ऑलरेडी बहुत डरा हुआ हूँ। रिपोर्ट जमा कर दिया आपने? अभी नहीं मैडम, बाद में कर दूंगा। यॉर्निंग ली थी, उसका चश्मा टूट गया। ए, ये क्या यार, तू कब से बकवास कर रहा है? तेरी योनिंग से ऑफिस वाले सो गए मैं मानता हूँ, पर उससे चश्मा कैसे टूट जाएगा? क्या हुआ भाई, क्या है? गुस्सा आ रहा है क्या? तेरी नाक में मक्खी चली गई क्या? कान क्यों हिल रहा है? आंखें क्यों फड़फड़ा रही है? पेट में गैस बननी शुरू हो गई क्या? क्या हुआ भाई बताना, बताना भाई, तू ऐसा क्यों कर रहा है? अरे तू कोमा में जा रहा है क्या? ए, बोल ना, बोल ना। नाइस योनि यार, वंस मोर। डॉक्टर आ गए। तुम इतनी गंदी हरकत करोगे इस बात की उम्मीद नहीं थी मुझे। डॉक्टर, तुम्हारी योनिंग में इतनी ताकत होगी मैंने कभी नहीं सोचा था। हाँ डॉक्टर, ऐसे ही हर आधे घंटे में मुझे योनिंग हो रही है। ऑफिस जाने के अलावा मैं हर समय तेरे साथ लुंगी पहनकर घूमता हूँ, ऐसा करने से पहले मुझे बता दिया कर, मैं रिस्क नहीं ले सकता। कुछ नहीं डॉक्टर, हम लोग ब्रॉड माइंडेड है ना, इसीलिए नर्स का वो सीन देखने के बाद भी माइंड नहीं किया, यही बोल रहा था। आई लव यू सिस्टर। गेंडा कहीं का। देखा उसने मुझे क्यों मारा डॉक्टर? घर पे जाके सोचना। अगर तुम्हें हर आधे घंटे में ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो तुम्हें एक काम करो, किसी ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ पे कोई ना हो, रिस्क मत लो प्लीज। डॉक्टर और कोई रास्ता नहीं है? मैं डॉक्टर महेंद्र से पूछकर बताता हूँ। भाई तो फिर ये कौन है? चिंता मत करो, देखते हैं। डॉक्टर आगे से नर्सों को पैंट पहन कर आने के लिए कहना पड़ेगा हॉस्पिटल में।
इधर आ। मुन्ना को देख रहा है ना? कूलिंग ग्लास मुन्ना को तूने सूरदास बना दिया। चुपचाप यहाँ से निकल ले। क्या हुआ? ये भी ना यार। हेलो, कहाँ हो तुम? बात क्या है बताओ? आज हम लोग क्लीन कंट्री की तरफ से फैशन शो कर रहे हैं। ए सुनीता, मैं अर्जेंट किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। जो लोग अर्जेंट के चक्कर में बाहर रस्ते में चले जाते हैं ना, उनके लिए ही पब्लिक टॉयलेट्स बनवा रहे हैं। उसी के लिए फंडरेजिंग प्रोग्राम कर रहे हैं। एड्रेस भेज दिया है, जल्दी से आ जाओ। ए सुनीता प्लीज मेरी बात तो सुन लो यार, प्लीज। तुम अगर मुझसे सच्चा प्यार करते हो ना तो तुम आ रहे हो। हेलो सुनीता, हेलो। लव इज इम्पॉसिबल यार। ए तू चुप बैठ यार, चल। ए बेकार तेरी इस पतले का मुंह बंद कर और चल यहां से। चल रे, तुम लोग मुझे भूत उतारने की जगह पर क्यों ले आए? ऑफिस जाना है मुझे। तेरा ये सुंदर सा चेहरा दिखाकर भूत को भगाने के लिए लाए। चल तुम लोग अपना चेहरा दिखाओ। चल भाई। हां ये भूत का क्लोज फ्रेंड है, इसकी मदद से हम उसे पकड़ सकते हैं। हां ये वही है, गला दबा दो भाई। इसकी दोस्ती के लिए वो नहीं आएगा। मिस्टर कोल्बिंग मुन्ना, तुझे तो मैं कूलिंग ग्लास मुन्ना, मुझे मार लो लेकिन मेरी दोस्ती को चैलेंज मत करो। अभी देखो भाई, वो उसे ही फोन कर रहा है। हेलो हेलो भाई, मुझे कूलिंग ग्लास मुन्ना ने किडनैप कर लिया है, जल्दी आकर मुझे बचा ले यार। क्या बोला, मुन्ना ने तुझे किडनैप कर लिया? ए अबे यार, एटलीस्ट तू थोड़ी देर में उसके हाथ पैर जोड़ कर कॉमेडी वॉमेडी करके कुछ देर में छूट जाएगा, पर अगर मैं वहाँ आ गया ना तो वो मुझे जरूर मार डालेगा। तू एक काम कर, तू थोड़ी देर में वहाँ से एस्केप हो जा ब्रो। ए तू मेरा जिगरी दोस्त है ना? ओके यार, बाय बाय। बुलशिट, सुनो इसे काट कर उसके पास भेज दो, तब आएगा वो। अरे भाई ये हाथ काटने में बहुत मेहनत लगेगी, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? एक मिनट भाई, अभी किसी और को फोन कर रहा है। करने दो करने दो। हेलो सुनीता। हाँ? कालिया स्पीकिंग। हाय। तुम्हारा लवर संजीव, उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड मंदाकिनी थी ना, उससे मिलने के लिए शहर की सीमा पर माता जी का मंदिर है ना, वहीं गया हुआ है। उसे जाकर फौरन पकड़ लो। फर्स्ट लव को अभी तक भूला नहीं वो? अगर तुम फोन करके पूछोगे तो वो तुमसे फोन पर झूठ ही बोलेगा, वहाँ जाने के लिए मना करेगा। वो कहेगा कि कूलिंग ग्लास मुन्ना तुम्हें मार डालेगा। तुम विश्वास मत करना, फौरन मंदिर पहुँचो। सेकंड हैंड गाड़ी को अभी तक सर्विसिंग दे रहा है, रुको मैं अभी आती हूँ। कमन कमन। हेलो संजीव जी। हेलो योर सुनीता कमिंग सून। मंदिर, माता जी का मंदिर मादापुर, तुम कुछ भी बोलोगे वो नहीं मानेगी। कूलिंग ग्लास मुन्ना, जबरदस्त गुंडा मुन्ना, यू डेथ। क्या कहा? आई विल मीट। हेलो, अब चले भाई। ठीक है, नीचे उतारो। पंडित जी, क्या ये सब सच है क्या? जिन लोगों को भूत ने पकड़ा है वो यहाँ आते ही हिलने लगते हैं। और अगर कोई इसके अंदर आकर हिले नहीं तो? अगर नहीं हिले तो इसका मतलब उनको भूत ने नहीं पकड़ा है। अरे मेरे हाथ में खुजली हो रही है, उसका गला किधर गया? भाई 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 मुझे छोड़ दो, वो लोग आते ही होंगे। भाई भाई वो भूत नहीं आ गई और साथ में भूत को भी लाई है। तुम जाओ यहाँ से। तुम अभी आ रहे हो, उसने तो कहा था तुम पहले से ही हो। हाँ, प्यार मुझसे करो और सुनो उसकी, लेकिन अपने प्रेमी की बात कभी मत मानना। चलो निकलो यहाँ से, भागो। भाई को लेकर चल। कहाँ? अरे इधर जा रहे हो? लेफ्ट साइड, यहाँ यहाँ। कहाँ? इस तरफ, सामने आपके। यहाँ देखो, यहाँ यहाँ है भाई, यहाँ तरफ। ये तो संगे मरमर जैसी स्मूथ है रे। अरे वाह, अरे ठीक से छूने दो ना। अबे मुझे छोड़ो, उसको छू रहा है। अरे छोड़, इस तरफ इधर है, यहां चल। इधर चल, इस तरफ। ए वो दोनों भूत आ गए क्या? आ गए भाई, दोनों को घेरे में खड़ा कर दिया। मुझे तो भूत नहीं लगते, इंसान के जैसे हैं दोनों। हाँ भाई, सच में ये इंसान ही है। मैं जानता था। ए मेरा चाकू दे, आज तो दोनों को काट दूंगा। संजीव उधर देख, उधर देख, इधर इधर क्या देखा है? ए, बोलना चाकू दे। अरे कुछ कर ना तू, ये नागिन डांस क्यों कर रहा है? ये कहना क्या चाहता है? लाओ किधर है, है किधर है? आज दोनों को छोड़ूंगा नहीं। हाँ। लुड़ु लुड़ु।
ये आवाज कौन निकाल रहा है? ये आवाज नहीं है भाई, भूत अंदर घुस गया है। क्या क्या कर रही हो तुम? भाई आगे इसमें भूत, देखो। मतलब एक में भूत है दूसरे को मार सकता हूँ? ये दोनों में भूत आ गया, दोनों में। हाँ भाई देखो ना कैसे कर रहे हैं ये लोग, ये देखो। मतलब किसको मारूं? ये क्या हो रहा है? मारना मत भाई, अब मैं क्या करूं? इनसे बात तो करके देखो भाई। ऐसे कैसे बात करूं मैं? भाई इनसे जल्दी बात कर लो, वरना ये भूत आपके अंदर घुस सकता है। ये कैसे करना है? ये भी कोई जीना है क्या? तेरी जान बच गई, शुक्र मना। ये बताओ तुम डर क्यों रहे हो? डरू नहीं तो क्या करूं?